कुछ ही दिन पहले तमिलनाडु आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट TNAD, मैंने इसे एब्रीविएट किया है, TNAD ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें पिछले कुछ सालों से जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन चल रहा है, यानी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई कर रहे हैं उन्होंने क्या डिस्कवरी करी है, क्या खोज करी है, उस पर एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट सरकार ने जारी करी है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जारी करी है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि एक सैंपल जो कार्बन डेट किया गया था उसकी एज पता चली है 580 BCE, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व। उस समय से ये आर्टिफैक्ट यानी जो खुदाई में चीज निकली है वो 6th सेंचुरी तक उसकी डेट कार्बन डेटिंग से हमें पता चली है। ये अभी इन दोनों के बीच में लिंक को एस्टैब्लिश नहीं करता है, लेकिन जो ग्रेफिटी मार्क्स मिले हैं वो स्क्रिप्ट जो तमिल ब्राह्मी लिपि है, कुछ साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं जो लैंग्वेजेस को एनालाइज करते हैं, उनका ये मानना है कि मे बी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो भाषा थी जो अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं हम, उससे मिलती जुलती हो सकती है। इस पर अभी रिसर्च होगा, 10 साल 20 साल हमें नहीं पता कितने साल लगे, लेकिन मे बी इन दोनों के बीच में लिंक मिल जाए, अभी तक नहीं मिला है, इसलिए दोनों सिविलाइजेशन को सेम कहना गलत है। हाँ, ड्रेनेज, ब्रिक्स, आर्टिफैक्ट्स ये सब सेम है, स्क्रिप्ट में पता नहीं है अभी तक, डाउटफुल है कि सेम होगी या नहीं होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा कॉमन लिंक जो दोनों सिविलाइजेशंस के बीच में है और जिसके कारण ये पूरी एक्सकेवेशन न्यूज में रही थी, चर्चा में रही थी और कंट्रोवर्शियल भी थी, वो है रिलीजन यानी धर्म। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कोई भी बड़े बड़े मंदिर नहीं मिलते हैं, भगवान की मूर्तियां नहीं मिलती है, इसीलिए उसे वैदिक काल से पूरा अलग माना जाता है। वैदिक काल मेनली रिलीजियस था, मेन जो फोकस है, एम्फेसिस है, वो वेदों पे था, धर्म पे था, लेकिन इंडस वैली में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सील पर कुछ डेटीज की हमें इंस्क्रिप्शन जरूर मिलती है, जैसे पशुपतिनाथ है वो हमें सील पे मिला है, तो ऐसी सील अभी तक यहाँ पे नहीं मिली है किलाड़ी में, और साथ ही साथ किलाड़ी में भी कोई मंदिर नहीं मिला है, कोई धार्मिक हमें आर्टिफैक्ट्स नहीं मिले हैं। तो स्कॉलर्स ये कह रहे हैं कि ये दोनों सिविलाइजेशंस सेक्युलर सिविलाइजेशंस थी, यानी इन पे धर्म पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं था, और ये सेक्युलर जो शब्द है ये भारत में हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी लेकर आता है। तो कंट्रोवर्सी ये हुई कि 2 साल पहले कार ने कहा कि अब हम यहाँ पर एक्सकेवेशन के लिए पैसा देंगे, तो पहले 3 साल जो यहाँ पर खुदाई हुई थी वो ASI के द्वारा की गई, ASI ने फंडिंग दी थी, यानी केंद्र सरकार ने फंडिंग दी थी, लेकिन जब यहाँ से सेक्युलर सिविलाइजेशन के सिंबल्स बाहर आए, ऐसा पता चला कि ये तो सेक्युलर सिविलाइजेशन है, तो फिर ऐसा कहा जाता है, देखो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, कि केंद्र सरकार इससे थोड़ा सा घबरा गई और उन्होंने ASI का बजट यहाँ पर बंद कर दिया। तो 4th और 5th फेज यानी पिछले 2 साल से जो खुदाई है वो तमिलनाडु का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कर रहा है। अब तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि अभी तो और स्टडीज हम करेंगे, क्योंकि ये जो सारी फाइंडिंग्स है ना, ये तो केवल 1 एकड़ में खुदाई हुई है उसमें मिले हैं, और ऐसा एस्टिमेट है कि ये शहर 110 एकड़ में फैला हुआ था, तो अभी तो केवल 1% एक्सकेवेशन हुआ है, और जो डेप्थ भी है वो केवल 4 मीटर तक खुदाई करी गई है, जबकि ASI का खुद का ऐसा अनुमान था कि 6.5 मीटर तक अभी लेयर्स और मिल जाएंगी। तो ज़्यादातर जो एक्सकेवेशन है वो बाकी है, अभी तो हमने केवल सरफेस को स्क्रैच किया है, अभी पूरा आइसबर्ग नीचे पानी के नीचे हमें दिख ही नहीं रहा है, तो काफ़ी एक्सकेवेशन होगा, टाइम लगेगा, 10 साल 20 साल भी लग सकते हैं, और कार्बन डेटिंग भी अभी कुल मिलाकर 6 या 7 ऑब्जेक्ट्स की करी गई है इतने सालों में, और हमें तो हज़ारों आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, 6000 आर्टिफैक्ट तो एक ही साल की खुदाई में हमें मिल गए थे। फिर बात आती है DNA स्टडी की, तो DNA स्टडी करवाने की बात भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कह रहा है, तो अभी हाल ही में, इनफैक्ट 2 दिन पहले ही, तमिलनाडु सरकार ने एक MOU साइन किया है डेविड राइश लेबोरेटरी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के साथ, और मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी मेनली ये DNA स्टडी करेगी और उसमें इनकी हेल्प ली जाएगी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की। तो अभी किलाड़ी, कोंथगई और अडीचनल्लूर, ये सारी साइट्स हैं वेगई नदी के आसपास, यहाँ पर जो भी बोन्स आई हैं इंसानों की या फिर जो भी भविष्य में बाहर निकलेंगी खुदाई में, उनका DNA एनालिसिस इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया जाएगा। ASI के सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा था कि डेफिनेटली वेगई वैली सिविलाइजेशन, देखिए इन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है, वेगई वैली सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ा अर्बन सेटलमेंट था तमिलनाडु का, ये एक बहुत पहला हमें ऐसा मिला है साइट जहाँ पर इतनी बड़ी अर्बन सेटलमेंट मिली है, और अभी हमें कम से कम 10 साल और दीजिए, लार्ज स्केल एक्सकेवेशन करेंगे हम, ऐसा ASI के खुद के आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था। तो तमिलनाडु सरकार अच्छे से इंटरेस्ट ले रही है और एक्सकेवेशंस के लिए ज़्यादा बजट दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, ये कल की न्यूज़ है। तो तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि हम रिसर्च के लिए, एक्सकेवेशंस के लिए और ज़्यादा पैसे देंगे, और म्यूजियम बनाने के बारे में भी बातें चल रही हैं।